तो भाई देखिए यहाँ रोड पूरी टूट गई है, जो पहले टर्मिनल की रोड थी थोड़ी थोड़ी बची हुई, देखो ऐसी टूट गई थी पूरा पहाड़ के साथ का नीचे। देखो कितना डेडली टाइम है इस टाइम, रेनफॉल का टाइम। भाई हमारे साथ थोड़ा पॉपआउट हो गया है, हम गलत रास्ते पे आगे आ गए, हमें अभी भैया मिले थे रास्ते में, उन्होंने बताया कि रास्ता बंद है आगे। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, अरे देखो कितनी खुश हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे अकड़ गए थे। मैं आपको एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ, देखिए आप रेडी रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग, होप करते बहुत ही अच्छे होंगे। आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, पीछे पूरी बारिश हो रही है सुबह से, खतरनाक वाली मतलब बरसात लगी हुई है। कल भी ऐसे मौसम था, आज तो उससे भी ज़्यादा है। तो प्लान कुछ ऐसा भी, हम प्रेम नगर में अपने पीछे का गेटअप देख के पता लगा ही लिया होगा, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखते हो तो पता होगा हम प्रेम नगर में इस टाइम। तो प्रोग्राम ऐसा है कि इस टाइम हमने प्लान बनाया हिमाचल जाने का। जी आप सही सुन रहे हैं, हम ऐसे मौसम में, खतरनाक जो मौसम हो रहा है इसमें जाने की सोच रहे हैं, पंगा लेने की सोच रहे हैं हिमाचल में। पता है आपको हिमाचल में आपदा आ रखी है, इतनी अंदर नहीं जा रही हिमाचल में, पोटा शहर से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एक जगह पड़ती है रेणुका जी, झील भी है वहाँ पे और माता का मंदिर भी है, परशुराम भगवान का मंदिर भी है, रेणुका माता का है। अब रेणुका माता के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, जैसे नेट पे पढ़ सकते हो आप पूरी हिस्ट्री। रेणुका माता जो परशुराम भगवान थे उनकी माता थी, तो वहाँ पे जब आपने एक कथा सुनी होगी, जब उनके पापा ने जो थे उन्होंने कहा था उनका सिर काटने के लिए, तो सिर्फ परशुराम भगवान ने काटा था, पांचों भाइयों में से चार भाइयों ने मना कर दिया था। उसी जगह का है जो मतलब फेमस है, उसी जगह फर्स्ट टाइम जा रहे, इससे पहले कभी नहीं गए। तो देखते रास्ता वगैरह सही रहा, सब कुछ सही रहा, प्रॉपर पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ जाके दिखाएंगे, क्योंकि हम श्योर नहीं है, गूगल मैप भी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है कि गूगल मैप अगर रास्ता सही होता है हरा दिखा देता है, नीला अगर होगा लाल दिखा देता है, इसमें काला दिखा रहा है, मतलब कहने के ब्लॉकेज है। वो तो हम जाके पता करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा पोटा साहब के लिए, और वहाँ से और एक डेढ़ घंटे का रास्ता लगेगा हमें रेणुका झील पे जाने के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी में, चश्मा लगा लिया है अपने, देखो भी देखा होगा मेरी आँख में एक्चुअली आई फ्लू हो गया था, आजकल बहुत फैल रखा है, सबको हुआ घर में, पर आखिरी मेरे को हुआ, मेरे को जल्दी ठीक भी नहीं हुआ, हल्का सा रह गया ज़रा सा, तो चश्मा प्रोटेक्शन लगा के चल रहा है किसी और को ना हो जाए और मेरे से, क्योंकि अभी निमृत बचा हुआ, निमृत को नहीं हुआ, बाकी तो सबको हो गया, गुंजन को भी हो गया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हाँ तो मेरे को हुआ था पर ठीक हो गया है, अभी हल्का फुल्का हुआ था, इतना ज्यादा रेड नहीं हुआ था, दो तीन दिन हुआ था मेरे को, एक हफ्ता हो गया, पर सर में दर्द और अजीब सा भारी भारी सा चिपचिप ऐसा लगता है। और हमारे साथ इधर काजल भी है, काजल को भी हो चुका है। काजल को तीन दिन हुआ था, मेरे को एक दो दिन हुआ था, फिर उसके बाद से अजीब सा महसूस होता है। अच्छा, दो तीन दिन ही रात हुआ मेरे को, दो तीन दिन, और मेरा तो देखो एक हफ्ता हो गया, परी हो गए एक हफ्ते से, आपका तो बहुत ज्यादा रेड था, इसको भी हुआ था, गुन्नू को इसको भी दो दिन हुआ, बस बचा हुआ है, इसको थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा निमृत को, निमृत तो हीरो है, इसको होगा, इसको होगा, तो तेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, इसका मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा है तेरा, लगता है साइलेंस, पता भी इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाँ करता रहेगा, पता है क्या, पता है ये हमारे आंख में आई फ्लो नहीं हुआ था, वो टेटम होता है, इम्यून सिस्टम नहीं होता है वो किसी दिन विस्तार में समझाऊंगा, ठीक है क्या होता है। तो गाइस ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है इस टाइम निकल चुके हैं हम, टाइम बता दूँ 11:15 हो गए हैं और 1:30-2 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो चलते हैं अभी, अभी तो हमारे पास फ्यूल अप है ही, हम कड़ा के आए थे, थोड़ा बहुत तेल अभी डलवाएंगे हिमाचल से, वहाँ सस्ता है, 4-5 रुपये सस्ता है यहाँ से, तो वहाँ डलवाएंगे, तो चलते हैं और आपको एक अच्छा ब्यूटीफुल जगह इंजॉय कराते हैं, बने रहिए वीडियो में, हमारे लिए फर्स्ट टाइम होने वाली है। और देखो पानी कितना भरा हुआ है, कितनी बारिश हो रही है, पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ साइड साइड में। गाइस हम पोटा साहब में पहुंच चुके हैं, अभी हम पकौड़े वगैरह लेने लेकर रुके हैं, तो यहाँ गरम गरम पकौड़े तल रहे हैं, चौक का नाम तो पता नहीं कौन सा है, वो गोल चक्कर पे ही है, तो हमने दो समोसे लिए हैं, दो ब्रेड पकौड़े और आधा किलो हमने मिक्स पकौड़े लिए हैं, तो अभी गरम गरम फ्राई होकर मिल रहे हैं, देखिए तेल में गरम गरम दे रहे हैं, अभी पैक हो रहे हैं, तो फिर चलते हैं गाड़ी में बैठ के खाएँगे, सुबह से खाया नहीं, भूख लग रही थी बहुत तेज, मौसम यहाँ पर भी एकदम उस टाइम बादल हो रहे हैं, देख ही रहोगे आप, बारिश नहीं हो रही पर बादल है, अच्छा है मौसम। गाइस हमारा ब्रेड पकौड़ा आ गया है, अच्छा बना गया, गरम गरम लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, पकौड़े वगैरह भी है, सही बना गया, तो चलिए मिलकर सादे खादे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ से करीब 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है हिमाचल में एंटर करके, पोटा साहब से आगे आके एक पतली सी रोड पकड़ ली अंदर, ये रोड दिखा रहा है सीधा अभी 30 किलोमीटर तक, तो ऐसा कुछ रास्ता है, टूटा फूटा सा रास्ता है,
बहुत जगह रोडें ख़राब हैं, पर व्यू बहुत अच्छा है। देखिए जंगलों के बीच में से होकर जा रहे हैं, तो इस टाइम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ कुछ कुछ लैंड स्लाइड भी हो रही है देखो, और बाकी व्यू बहुत अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है। जंगलों के बीच में जा रहे हैं एकदम, दोनों तरफ घने जंगल, और मौसम तो खैर हो ही रहा है बहुत अच्छा। अच्छा व्यू दिखा, मैं थोड़ा साइड में गाड़ी लगा के थोड़ी रील्स बना लेते हैं, थोड़ा आपको व्यू दिखा देते हैं। अभी हम आते हैं पहुँचे हैं, रोड देख लूँगा, पूरी ऐसी छोटी छोटी रोड चल रही है, और ये है व्यू देखिए, एकदम बादल नीचे आ रखे हैं, और इन दोनों को देखो कहाँ चढ़ चढ़ के रील बना रहे हैं। तो इतना खूबसूरत मौसम है नेचर के बीच में एकदम, है ना गुन्नू, अच्छा लग रहा है ना। हाँ नीचे आ ही गए हैं, बस अब दिख नहीं रहा ऊपर कुछ, ये लोग सब रील बना रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, रुका हुआ है, बारिश होती तो काम ख़राब हो जाता। बाकी कमेंट करके बताना कैसी लग रही वीडियो। तो गाइस हम बस थोड़ा सा दूर रह गए 10 किलोमीटर, देखिए रोड कैसा पैच है, ऑफ रोडिंग मिल गई हमें, ये देखिए गाइस लगी ना नीचे गाड़ी एकदम खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है। अच्छा तो लगा के दिखाया तुमने। हाँ लगा के दिखाया मैंने। वाह बेटे वाह। जब गाड़ी नीचे तो क्या कर सकते हैं, तो और इतने जा रहे देखो, तोड़ी क्या आराम आराम से निकाली गए, वो टच हुआ है। ये देखो गाइस क्या मस्त है लोकेशन, आगे फिर ऑफ रोडिंग आ रही है, पूरी रोड ही खराब है देखो। ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे, देखिए खतरनाक वाली रोड, बिल्कुल धसी पड़ी मिट्टी की रोड नीचे लग रही है, मिट्टी हल्की हल्की, पता है नीचे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखो रास्ता दिखा रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है मिट्टी, नीचे चिपक रही है, आराम आराम से निकालनी पड़ रही है गाड़ी। उधर का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है, नदी बह रही है, सामने शहर है, वो ब्रिज क्रॉस भी करेंगे हम, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो गाइस देखिए फिर से कितनी खतरनाक रोड है यहाँ पे, स्लश ही स्लश है, पूरा स्लश स्लश हो रहा है देखो, फिर खतरनाक है। अब वापस कैसे आएगी गाड़ी, मैं तो सोच रहा हूँ आते हुए मैं नहान के रास्ते से आना पड़ेगा गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ रोड पूरी टूट गई है, जो पहले टर्मेक की रोड थी थोड़ी थोड़ी बची हुई, देखो ऐसी टूट गई थी, पूरा पहाड़ के साइड का नीचे देखो, कितना डेडली टाइम है इस टाइम, रेनफॉल का टाइम, इसलिए बहुत अवॉइड करना चाहिए आने पर, पूरी रोड टूटी पड़ी है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी, ये सामने झील सी दिख रही है आपको, वही है सामने रेणुका जी, पूरा शहर है देख लो आप। तो अभी रोड ऑफ रोडिंग चल रही है, बारिश शुरू हो गई, अभी तक तो बारिश थी नहीं, यहाँ के एकदम बारिश मिल गया हमें, देख रहे होंगे आप हमारी गाय माता बीचों बीच चल रही है, रोड पूरी एकदम खतरनाक ही टूटी फूटी है, हर जगह बारिश में हर जगह ऐसी हो जाती है रोड। तो आराम आराम से चल रहे हैं हम, फिर पहुँचते हैं और आपको फिर दिखाते हैं रेणुका झील पास से। गाइस हमारे साथ थोड़ा पॉपआउट हो गया है, हम गलत रास्ते पे आ गए हमें अभी भैया मिले थे रास्ते में, उन्होंने बताया कि रास्ता बंद है आगे, तो वापस जा रहे हैं हम इसी रास्ते में, 2 किलोमीटर आगे आ गए थे हम, और रोड भी इतनी टूटी फूटी है, आराम आराम से देख के चलना पड़ रही है, मैप भी कन्फ्यूज हो गया है, बता ही नहीं पा रहा है देखो, पागल हो गया मैप भी, इसको भी नहीं पता चल रहा रास्ता, अब पूछ के जाना पड़ेगा हमें कहाँ है रेणुका झील। तो हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, बस देखते हैं किसी से पूछ के पहुँचते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, अरे देखो कितनी खुश हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे अकड़ गए थे, मैं आपको एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ, देखिए आप रेडी रहिए, देखिए ये है रेणुका झील। हाँ पागल है क्या, पानी में चले देखो लड़का, पानी में चलने की बात कर रहा है। हाँ वो मच्छी है सारी बाबू, मछलियाँ बहुत है इसमें, तो पूरी रेणुका झील है, सामने मंदिर है, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, रास्ता बंद करा हुआ आगे, वो पेड़ गिरा हुआ पूरा, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखे, तो रास्ता बंद है, पैदल चलेंगे यहाँ से, वहाँ चल के मंदिर के दर्शन करेंगे। और ये देखिए मच्छी कितनी सारी है, देखिए फिश भयंकर, कितनी सारी फिशेज है, देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं, फिश कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं देखो, कितनी बड़ी बड़ी है और इकट्ठी है एक साथ, देख रहे हो ये भी देखो,
तो तुम लोग क्या मजाक समझ रहे थे क्या? अरे नहीं, हमको दिखने देती ना। हाँ, बहुत कितनी बड़ी बड़ी फिश है। और सामने वो जू वगैरह है, वहाँ अगर जा सकते हैं। अभी तो बंद करा हुआ यहाँ से जू का, तो फिलहाल उधर ही चलते हैं। बरसात के समय बंद किया होगा जू का, मेरे ख्याल से जू वगैरह है सारा इधर। क्या अच्छा नज़ारा, ऊपर ऊँचे ऊँचे पहाड़। तो अब चल रहे हैं जरा मंदिर में, देखो हम भी वहीं लेके गए थे गाड़ी, जैसे वो लोग लेके आ रहे हैं वापस, हम भी बेफू बन के आए थे ऐसी, तो हमने गाड़ी यहाँ लगा दी ला के। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, अब चल के दर्शन करते हैं पहले, फिर आपको मिलते हैं। तो सामने मंदिर है, यहाँ से एंट्रेंस है भाई, जहाँ पर हम जूते चप्पल उतार सकते हैं। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, हमने जूते चप्पल उतार दिए, अब चलते हैं अंदर। इधर भी मंदिर है, इधर ही मंदिर है, दोनों मंदिर में चलते हैं पहले। मंदिर है भगवान के विष्णु अवतार के, 10 अवतार है उनका मंदिर है, पूरे 10 अवतार है इसमें। तो चलिए मैं बता दूँ, परशुराम भगवान भी 6ठे अवतार है। चलिए, मिट्टी अवतार है भगवान विष्णु का, ये कच्छ अवतार है, और ये है ब्रह्मा अवतार, ये नरसिंह अवतार है, ये वामन अवतार है, और ये विष्णु भगवान जी, और ये परशुराम अवतार है परशुराम भगवान जी, ये राम अवतार है, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और यज्ञ 10 अवतार। तो टोटल लास्ट अवतार जो भगवान का होने वाला, कल्कि अवतार जिसे बोलते हैं हम, कल्कि अवतार, ये अवतार होगा भगवान कल्कि का, लास्ट अवतार यही होगा। तो गाइस, ये पर्वत शिला है, ये वो चट्टान है जहाँ पे बैठकर हजारों वर्ष तक भगवान परशुराम जी ने तप किया था, ये वो शिला है, इसके ऊपर बैठे थे परशुराम भगवान जी। तो ये बहुत बहुत पर्वत शिला है, लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। और सामने मंदिर है, मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, हमने परशुराम भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। इधर हमारे शिव जी भगवान जी हैं, शिवलिंग है, यहाँ पर दर्शन, माता के पास जा रहे हैं, माता रेणुका जी के पास, वहाँ दर्शन करेंगे। बारिश नहीं तेज़ होने लगी है, देखिए कितनी तेज़ हो रही बारिश। गाइस, ये है रेणुका जी माता जी मंदिर, हम दर्शन कर सकते हैं सामने। तो ये माता का मंदिर है गाइस, ये परशुराम भगवान जी का मंदिर है। यहाँ से हमने प्रतिमा पूरी कर ली है, अब देख रहा हूँ मैं, फोटो वगैरह वर्जित है इसलिए नहीं है। और सामने पर्चा रखा परशुराम जी का, वैसा पर्चा होता था। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, एक बार आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। बाकी ये देखिए, बताओ अच्छा व्यू है, इतनी शांति है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। गाइस, देखिए पूरी रेणुका झील है, बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, बादल नीचे आ रखे हैं, है ना गुंजा, कैसा लग रहा है? ये मछलियाँ देख रहे हैं, देखो कितनी सारी फिश है यहाँ पे, इनका ध्यान कहीं और नहीं है, बस फिश पे ही है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, बारिश हो रही है बहुत है, बस हाँ बस बारिश हो रही है और कुछ नहीं। कोई नहीं, हर चीज़ का अलग मज़ा है, बारिश का अलग मज़ा है। हाँ, मछलियाँ उछल रही हैं यहाँ पर काफ़ी सारी, है ना काजल, सही है ना? वैसे बारिश में भी कहीं ना कहीं एंजॉय कर ही लेते हैं हम घर पे। वो तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं गाइस, देखो इतनी बड़ी बड़ी है। तो हमने गाड़ी वो वहाँ खड़ी करी हुई, देख रहे हो आप वहाँ पे सामने, वहाँ से आएंगे ऐसे करके आए थे, अब सोचे सोचे वापस कैसे जाएंगे, बारिश हल्का होने का इंतजार कर रहे हैं, तो निकलेंगे यहाँ से। हैं, हाँ तुम्हारी तरह तो नहीं होगी मोटी जूट ज़्यादा, ना ना तुम्हारी तरह योगी है। हम हल्का होने का इंतजार कर रहे हैं बारिश का, जैसे हल्का होता है फिर गाड़ी में चलेंगे, फिर वापस करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा आपको रेणुका झील। बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी वो होगी कि एक अफसोस रहेगा कि मैं ड्रोन नहीं लाया, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, अगर ड्रोन मिलाता तो मुश्किल था ड्रोन उड़ पाता, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है। पर मौसम बहुत अजब गजब का हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बादल नीचे आ चुके हैं, फॉगी फॉगी सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं फिर अब यहाँ से गाड़ी की तरफ।